ओके सर, क्वेश्चन है ऐसा, स्मॉल एम का एक ब्लॉक है ऊपर, वो वाया अपुली एक डिस्क से जुड़ा हुआ है, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, जो भी बोल लो, ऑफ मास एम, रेडियस आर, और उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, ये ब्लॉक भी अपनी जगह से मूव करेगा, ठीक है, और ये जो डिस्क है ये रोटेट करते हुए नीचे रोल होगा, ऐसा कुछ हमको समझ में आता है, ठीक है। पिछले, इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक केस किया था, उसमें ये रस्सी एसेंशियली फिक्स थी यहाँ से कहीं से, ठीक है, जो कि इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में ये रस्सी खुद मूव कर रही है नीचे की ओर, ठीक है। इसका मतलब इस रस्सी में कुछ एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है इस रस्सी में नीचे की ओर, जो रस्सी ए के बराबर है, जो हमने एज्यूम कर रखा है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जिसको हम यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस पिवट पॉइंट कह रहे थे, इस बार वो इंस्टेंटेनियस पिवट खुद एक्सेलरेटेड है। कितने एक्सेलरेशन से, ए से, ठीक है। सो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर ए के बराबर है, ठीक है। और अगर अल्फ़ा से ये डिस्क घूम रहा है तो ए सी एम, ए और आर तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो ए सी एम, ए सी एम प्लस, ए सी एम माइनस अल्फ़ा आर इज इक्वल्स टू ए, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ओके। तो क्या ये कहना सही होगा, ओके, नहीं, ये पॉइंट एसेंशियली ए से नीचे की ओर मूव कर रही है, ये बात हमको पता है, ठीक है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कल हम लोगों ने जो बात की थी, अगर ये रुका होता तो फिर अल्फ़ा आर के बराबर एक्सेलरेशन इस सेंटर पॉइंट का नीचे की ओर होता। अब ये पॉइंट रुके होने की जगह एक्सेलरेशन ए से है, तो सेंटर जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन, जिसको हम ए सी एम कह रहे हैं, वो कितना होगा। जब ये पॉइंट रुका हुआ था तो ये एक्सेलरेशन था अल्फ़ा आर, अब ये पॉइंट मूव करने लगा तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, चलो ये बताओ, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो जो अल्फ़ा आर था उससे बढ़ जाएगा, जितना एक्सेलरेशन है उतना ही बढ़ेगा, कम कैसे हो जाएगा। हाँ, डिस्क ऐसे घूमना चाह रहा है, हाँ बिल्कुल घूमना चाह रहा है, हाँ, अच्छा ए जो है ये नीचे जा रहा है, डिस्क जिस स्पीड से घूमता उससे थोड़ी कम स्पीड पे घूमेगा, ऐसा कुछ आपका आर्ग्यूमेंट है शायद। ए उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इन द सेंस ए जो है वो नीचे जा रहा है, नीचे जाना चाहता है, और ये जो डिस्क है ये भी नीचे जाना चाहता है। अब ये नीचे जाने के वर्च्यू से क्लॉकवाइज घूम रहा था, ऐसा कुछ आपका आर्ग्यूमेंट ये है, ठीक है। हाँ, अगर अल्फ़ा ज़ीरो, सॉरी, अगर ए सी एम ज़ीरो होता तो फिर समहाउ इसको हम लोग अगर फिक्स कर देते, कील लगा देते यहाँ पे, तो फिर आप कहते कि ये रस्सी इसमें रैप होता जाएगा और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए टाइप का ऊपर की ओर हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह की बात होती अगर ये पॉइंट फिक्स्ड होता। तो ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, ये पॉइंट मूव कर सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर रस्सी यहाँ पे नहीं होती तो ये किस एक्सेलरेशन से ये पॉइंट मूव करता। अगर ये रस्सी यहाँ पे रैप्ड होकर ऊपर नहीं गई होती तो जी के एक्सेलरेशन से ये जो डिस्क है ये सीधे सीधे नीचे आ जाता। अभी क्या हुआ है, अभी ये एक्सेलरेशन जी ना होके समथिंग लेस है, और वो इसलिए क्योंकि रस्सी इसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है। तो आपका आर्ग्यूमेंट तब वैलिड होता जब कोई और फोर्स होता जो रस्सी की डिफ़ॉल्ट रोलिंग से भी ज़्यादा फोर्स होता ऊपर की ओर, तो उससे रस्सी इसमें रैप होता होता, तब आपकी बात सही होती। यहाँ पे वैसा केस नहीं है, यहाँ पे रस्सी एक्सेलरेटेड है, उसके बावजूद इसको अभी उसके बावजूद भी रस्सी यहाँ पे खींचेगी ही। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बात अलग है, जो कि इस केस में नहीं होगा, ओके। सो इसका मतलब अल्फ़ा आर से ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उसका होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन ए सी एम का होगा। तो ये एक रिलेशन मिलेगा हमको इस सिचुएशन में। या आपके पास एक और अप्रोच है, हाँ आप ये बोले थे,
अच्छा, ए सी एम माइनस अल्फा आर बोले थे, मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है तो चलो आपकी बात सही है, इनको चॉकलेट दे देना, ठीक ओके। सो एक और केस हो सकता है, एक और केस क्या हो सकता है, आप कह रहे हैं कि पिछले बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये रस्सी रुकी हुई थी, और वो रस्सी रुकी हुई थी तो हमने इस पॉइंट को पिवट पॉइंट मान लिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये रस्सी मूव कर रही है, रोक सकते हैं क्या रस्सी को? रस्सी को रोक देते हैं, क्यों नहीं रोक सकते हैं? लटक जाओ रस्सी में, ठीक है, पलाश को लटका देते हैं रस्सी में, ठीक है, हाँ ठीक है, उसका वेट नहीं के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, ये 1000 kg का होगा, वो 100 kg का होगा, पलाश का वेट कितना होगा अभी ज़्यादा, चलो 10,000 कर लेते हैं, ठीक है, ये नेग्लिजिबल, पलाश का वेट मान लेते हैं, उसको लटका दिया हमने, ठीक है। पलाश को क्या दिखाई देगा? पलाश को ये पॉइंट अब रुका हुआ दिखाई देगा, पलाश को रस्सी रुकी हुई दिखाई देगी, क्योंकि पलाश का खुद का एक्सेलरेशन कितना है इस सिस्टम में? पलाश का एक्सेलरेशन ए के बराबर है, यानी कि पलाश एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो क्या करना पड़ेगा? सुडो फोर्स, ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, सबको ग्रास्प हो गया है, जैसे ही एक्सेलरेटेड फ्रेम में गए सुडो फोर्स, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एसेंशियली ये पॉइंट पिवटेड पॉइंट है, पिछले बार जैसा केस है, ठीक है, एक सुडो फोर्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं उल्टे डायरेक्शन में, एम ए के बराबर, बाकी जो फोर्स लग रहे हैं वो लगने दो, ठीक है, अल्फ़ा। अब टॉर्क इक्वेशन लगा सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट, कहोगे टाओ इक्वल्स टू आई अल्फा एम जी माइनस ए इक्वल्स इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या हो जाएगा अबाउट दैट पॉइंट, वो कॉर्नर वाला 3/2 वाला हो जाएगा, ठीक, 3/2 एम आर स्क्वायर। कोई बड़ी कुछ नया खास नहीं हुआ है, बस ये बात हुई है, ये बात समझ में आनी चाहिए, इसके अलावा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, आंसर मेरे को पता नहीं है तो आंसर आप बता भी देंगे तो मेरे को उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बोलो, ठीक है, लटका हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ। सो सुडो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, हमेशा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ए निकालो, अल्फा निकालो, ए सी एम निकालो, सब निकालो, टेंशन भी निकाल दो, अच्छे क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे पास, क्या कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर लो, तो जैसा आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करते थे बस वैसा ही काम है, डिफरेंस बस ही आ गया इस क्वेश्चन में कि अब पुली मासलेस नहीं है जैसा आप मानते थे, पुली है एक सिलेंड्रिकल डिस्क, सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, रोप स्लिप नहीं हो रहा इस तरीके से, दोनों एम वन एम टू इस पर लटक रहे हैं, साथ साथ सिलेंडर घूमेगा,
क्वेश्चन क्या है, ये सिनेरियो गिवन है, क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में, ये गिवन है, क्या चीज़ पता है आपको, M1, M2, कैपिटल M, R, ये चारों चीज़ें पता है आपको, ठीक है, क्या चीज़ निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, और टेंशन भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, किसका एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली इन द प्रोसेस, अल्फ़ा भी निकालेंगे, M1, M2 में कौन सा मास ज़्यादा है आप अज्यूम कर लीजिए, अगर आपके अजम्पशन गलत है तो आंसर नेगेटिव में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कौन सा अज्यूम करना चाहते हैं, M2 अज्यूम कर लीजिए, ग्रेटर मास, बनाओ क्या कर रहे हो, आप प्रतिवेद एच सी वी लाए हो क्या, या कोई एच सी वर्मा लाया है क्या, कोई वॉल्यूम वन लाया, ओके सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उससे उसके बाद फिर सब हो जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हाँ ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ओके, फिलहाल यहाँ पे टेंशन दोनों साइड सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, सेम होगा तो फिर इसको सेंटर के अबाउट आप टॉर्क लगाने की कोशिश करेंगे, इधर भी टेंशन वही, इधर भी टेंशन वही, तो घूमेगा ही नहीं, घुमाने के लिए ज़रूरी है कि इधर टेंशन कुछ और हो, इधर टेंशन कुछ और हो, ठीक है, एक ही रहता है यूजुअली, ठीक है, इस केस में अलग है, उसके पीछे की फिजिकल रीजनिंग समझनी है आपको, मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए मानते हुए कि ऐसा होता है, फिर मैं फिजिकल रीजनिंग बताऊंगा आपको, अच्छा एक्सेलरेशन M1 और M2 में से किसका ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना, टेंशन अलग अलग होगा पर एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, ठीक है, क्यों एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा, स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे जाएगा, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन, ठीक,
फ्री बॉडी डायग्राम्स मैंने बना दिए हैं, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन आप लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अल्फा ए में क्या रिलेशन है? हाँ, अल्फा ए में क्या रिलेशन होगा? तो सिंपली सेंटर पॉइंट रुका हुआ है और ये घूम रहा है अल्फा से इस डायरेक्शन में, मान लिया, ठीक है। सो यहाँ से जितने डिस्टेंस पे, यहाँ से कुछ डी डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, अल्फा डी से इधर मूव करेगा। तो ये कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है? जो रस्सी है आर डिस्टेंस पे अल्फा आर, मतलब वो कारण है उसका। किसका? ए का वैल्यू पता नहीं मेरे को, आप लोग कैलकुलेट करो। N2 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 N2
हाँ वैसा कुछ आएगा, प्लस हाफ कैपिटल एम बाई टू आर स्क्वायर, भी नहीं आर स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं आएगा वैसा आएगा हाफ एम बाई टू। हाँ ठीक है, ये अल्फ़ा आ रहा है, ए आ जाएगा अल्फ़ा आर सीधे, ठीक है। सो अल्फ़ा क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आप बता दीजिए। एम टू माइनस एम वन जी अपॉन प्लस एम बाई टू आर, ये अल्फ़ा हो गया। ए इक्वल्स टू अल्फ़ा आर, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। टेंशन क्या क्या मिल रहा है, टेंशन जो भी मिल रहा है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आपने ऊपर लिया होगा, ऐसा एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन नीचे ए, सारा कुछ सॉल्व करेंगे, टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जो मिथिलेश का क्वेश्चन था कि यहाँ पे टेंशन टी वन, यहाँ पे टेंशन टी टू, दोनों की वैल्यू अलग अलग, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अभी तक हम लोग इक्वल पढ़ते आए हैं, अभी हम लोग अनइक्वल की बात कर रहे हैं। अंतर क्या है यहाँ पे, अंतर ये हुआ है कि पहले जो पुली है वो मासलेस हुआ करता था, अब वो पुली मासिव है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मासलेस है मासिव है उससे, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे न्यूटन टाइप का दिख रहा है, ठीक है, न्यूटन नहीं है, ये है रस्सी, ठीक है, ये है पुली, रस्सी को थोड़ी मोटी बनाई है हमने, ठीक है। अब ये रस्सी इस पुली को घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, क्या कर रहा है रस्सी पुली के साथ, मतलब रस्सी पुली पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, रस्सी पुली के ऊपर स्लिप कर सकता था तो पुली घूमता क्या, नहीं घूमता, रस्सी स्लिप हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ठीक ठाक होगा तभी ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, अच्छा रस्सी की बात करते हैं, रस्सी इस पे रखा हुआ है तो ये दोनों के बीच में क्या कोई नॉर्मल फोर्स है, इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स कुछ है क्या रस्सी के कारण, इस पे पुली पे रस्सी रखा हुआ है ना, रस्सी यहाँ पे लटका हुआ है तो उसके सर पे तो लगेगा ना, जैसे वेग रखा हुआ वाला केस दिख रहा है, तो वैसे ही रस्सी रखी हुई है तो कुछ वेट उसको फील होगा, और रस्सी दोनों साइड से खींची हुई है, ठीक है, खींची हुई है तो अच्छा खासा नॉर्मल फोर्स ये दोनों के बीच में है, और उस नॉर्मल फोर्स के कारण जो है फ्रिक्शन वगैरह डेवलप हो सकता है, इस तरह की बात है। एसेंशियली हो क्या रहा है, जब आप रस्सी की बात करेंगे, रस्सी पुली पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में पुली पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे बात करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पुली पे किस डायरेक्शन पे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना टेढ़ा, यहाँ पे मतलब अलोंग द टेंजेंट, जो रस्सी सरफेस पे रखा हुआ है, रस्सी खींचने की कोशिश कर रहा है, रस्सी क्या करने की कोशिश कर रहा है, रस्सी स्लिप होकर आगे बढ़ना चाहता है, फ्रिक्शन वहाँ पे उल्टा लग रहा है। नेट फ्रिक्शन की बात अलग है, नेट फोर्स की बात करेंगे, बट एक एक पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, टेंजेंट पे फ्रिक्शंस लग रहे हैं, और वो सारे फ्रिक्शन एक डायरेक्शन में, इसीलिए उस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। रस्सी की बात करेंगे, वही फ्रिक्शन फोर्स रस्सी में उल्टे डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स बहुत सारा लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन है और यहाँ पे जो टेंशन है, ये दोनों इक्वल होता, मान लेते हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता, एसेंशियली हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, हालांकि ये सही नहीं है, यहाँ पे टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से पीछे की ओर, तो नेट फोर्स इस पर नॉन ज़ीरो टाइप का हो जाता है इस डायरेक्शन में, और ये अपने आप मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, मतलब चलो ठीक है, उसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे टेंशन है,
बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये फ्रिक्शन फोर्स या ये मासिव केस नहीं होता तो टेंशन यहाँ पे भी टी होता है, ऐसा आप कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे टेंशन कैसा होता है, कितना होता है, इस पॉइंट पे ऐसा होता था अभी तक। अभी अगर यहाँ पे टेंशन टी है और एक और फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और आ गया तो यहाँ पे जो टेंशन है वो टी के बराबर नहीं होगी। इसको टुकड़े करते हैं, थोड़ा इतने सारे डायग्राम बना दिया फिर भी ठीक से नहीं बनाया एक भी। तो नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं, पास वाले पोर्शन की, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रिक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रिक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे था टेंशन टी। अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक तो फोर्स था टी प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस और एक्स्ट्रा आ गए, तो टी के अलावा और फोर्सेस एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टी से ज़्यादा होगा। इसको सीधे में समझते पहले, यहाँ पे चलो रस्सी वाला केस ले लेते हैं, फोर्स यहाँ पे एफ है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स एफ नहीं है, समथिंग एल्स है, और ये रस्सी इधर मूव कर रहा है आगे की ओर, ठीक है। नीचे है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसको टुकड़े कर देते हैं। रस्सी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी फोर्स F है, यहाँ पे भी फोर्स F है, और रस्सी जो है इधर मूव नहीं करेगी इस केस में, ठीक है। अगर ये रस्सी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एसेंशियली क्या ज़रूरी है, एसेंशियली यहाँ पे जो फोर्स है जिसको हम F2 कह रहे हैं, इसको F1 कह रहे हैं, तो F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ पे फोर्स था F1, यहाँ पे फोर्स है F2, F2 बड़ा होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस आ गए ना। F2 क्या कर रहा है, उस F1 के लिए तो है ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा फोर्सेस को और उसको हैंडल करना पड़ रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ स्टिल है, चलो स्थिर नहीं है मान लेते हैं। अगर इसमें एक्सेलरेशन भी होता तब भी F2 बड़ा होता F1 से, नहीं तब उसके ऐसा कह सकते थे क्या, तब नहीं होता, तब कैसे, हाँ तब भी F1 से बड़ा होता F2 एसेंशियली। अगर एक्सेलरेशन होता और F1 F2 मान लो इक्वल होते तो एक्सेलरेशन कहाँ से होता, F2 जब F1 को एक्सीड करेगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो चाहे ना हो, यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करने के लिए, मूव करने की कोशिश करने के लिए भी F2 को एसेंशियली F1 से तो बड़ा होगा, होना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। यही चीज़ एक तरीके से बेंड कर दी गई है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इस पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू टेंशन वो ग्रेटर देन F1 होगा, F3 कह देते हैं, वो ग्रेटर देन F1 होगा, इसको कह देते हैं F4, ये ग्रेटर देन F3 भी होगा, F1 भी से भी बड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप यहाँ से जाते जाएंगे इधर, टेंशन जो है बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो चुका रहेगा, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पे, मतलब ये उसका फिज़िकल एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज़ टेंशन इक्वल नहीं होगा तो घूमेगा कैसे, ये आर्ग्यूमेंट सिंपल ध्यान रखने के लिए है, बाकी फिजिकल रीजनिंग ये है उसके पीछे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है HCV का,
HCV ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। लोड हो जाए, लोड क्यों नहीं हो रहा यार, लोड हुआ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 184 पे, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन रिटेट कर दे रहा हूँ। अ स्ट्रिंग इज़ रैप्ड अराउंड द रिम, लिख लीजिए, अ स्ट्रिंग इज़ रैप्ड अराउंड द रिम, अ स्ट्रिंग इज़ रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील, रिम ऑफ अ व्हील, अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील of moment of inertia, around the rim of a wheel of moment of inertia 0.2 of moment of inertia 0.2 SI में यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 0.2 केजी मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर्स, द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, initially the wheel is at rest, the string is now pulled by a force of 20 newtons, the string is now pulled by a force of 20 newtons. Find the angular velocity of wheel after 5 seconds. Find the angular velocity of wheel after 5 seconds. Five seconds. Find the angular velocity of the wheel after 5 seconds. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन से आप डील किए हो उसके सामने बच्चों वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ओरल सॉल्व करना चाहेंगे ओरल सॉल्व करेंगे, ओरल ट्राई करो। हंड्रेड बोल रहे हैं, हो सकता है। हाँ ठीक है, 100 आएगा, 100 रेडियंस पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक व्हील है, ठीक है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एक्सिस मतलब उसके सेंटर की बात की जा रही है, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इस पर एक फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.2 और रेडियस गिवन है
20 सेंटीमीटर्स, 20 मीटर्स नहीं है, सेंटीमीटर्स है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर 100 आएगा, ओमेगा। 5 सेकेंड्स बाद आपको ओमेगा बताना है। शुरू में स्पीड थी 0, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा कितना आ रहा है, अल्फ़ा अल्फ़ा आ गया 20। आपसे क्या पूछा गया है, ओमेगा पूछा गया है, ठीक है। अल्फ़ा से ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने शुरू में पढ़ रखे हैं वैसे ही कुछ लगाना है हमको। तो यहाँ पे अल्फ़ा वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपको पता है, आप कह देंगे फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी। इनिशियल ओमेगा 0 है, भूल जाओ, फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू अल्फ़ा टी। अल्फ़ा कितना है 20, टी है 5, ओमेगा आ गया 100, ठीक है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। एच सी वर्मा, ओके। सो कल एक और क्लास है हम लोगों की, सो उसमें उसके लिए एक होमवर्क दे देते हैं। सो एक फ्री टू मूव इंक्लाइन ब्लॉक टाइप का है, ठीक है, और यहाँ से एक स्मॉल एम मास के ब्लॉक को स्पीड वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया गया उसकी तरफ, ठीक है। अब ये जा रहा है, इसमें चढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें किस हाइट तक ये चढ़ेगा ऐसा पूछा गया है। फ्री टू मूव है मतलब ये अपनी जगह से मूव कर सकता है, स्टेशनरी फिक्स नहीं है। फिक्स होता तो क्या आंसर होता हाइट का, वी स्क्वायर बाय 2g आंसर आता, ठीक है। कैसे आता, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा देते, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। वो केस नहीं है इस केस में, आपसे कहा गया कि ये फ्री टू मूव है, ये भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे वगैरह वगैरह वाली बातें होंगी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, कल मैं आता ही पहले इसको सॉल्व कर दूंगा और बाकी फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। मिलते हैं कब, कल। कोर्स आप लोगों का इतना ही है, कोर्स में मैं रोटेशनल मोशन पूरा नहीं दूंगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, रोलिंग नहीं आएगा, यहाँ तक का जितना पोर्शन हुआ है उतना आएगा रोटेशनल मोशन का, बाकी पुराना सब कुछ आएगा। क्वेश्चंस का लेवल आप एक्सपेक्ट कीजिए एचसीवी के लेवल का आएगा। एरोडो टाइप के क्वेश्चंस अगर मैं देता हूँ तो उसके कुछ लिमिटेड पार्ट्स दूंगा, मैं पूरा लंबा पार्ट नहीं दूंगा। और एरोडो लेवल के क्वेश्चंस अगर मैं दूंगा तो आप मान लीजिए क्लास और असाइनमेंट के इर्द गिर्द ही दूंगा, मैं उसी पैटर्न का दूंगा, ठीक है। क्या ऑप्शन, ऑप्शंस में हाँ वैसा कुछ करूंगा, अगर मेरे को लगेगा ज़्यादा टफ है तो वो ऑप्शंस में रहेगा,